Today we have to study in sources of energy, which topic we have to study? Destructive distillation of coal. Yes. In last class, we have studied about the formation of coal, and also we have studied wood as a fuel. In last class, I told you that we will discuss today about destructive distillation in detail. So firstly, we should know that what is destructive distillation. Okay, what is destructive distillation? So देखिए, destructive distillation क्या होता है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कोल का ही अगर मैं destructive distillation कर रहा हूँ, it means strong heating in the absence of air. ठीक है, strong heating in the absence of air. इसके लिए हम लोग क्या arrangement करते हैं वो पहले जाने. destructive distillation के लिए एक हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब लेंगे. ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब नहीं लेना है, बॉइलिंग ट्यूब लेना है. इसके पीछे कारण ये है कि टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास होता है वो सॉफ्ट होता है, यानी थोड़ा सा भी हीट में हो सकता है कि वो मेल्ट कर जाए, ब्रेक कर जाए. लेकिन बॉइलिंग ट्यूब का ग्लास होगा वो कंपैरेटिवली टेस्ट ट्यूब से हार्ड होगा. तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बॉइलिंग ट्यूब ले रहा हूं. ठीक है, और साथ में मैं क्या करूंगा कि इसको स्टैंड के द्वारा मैं एडजस्ट कर दूंगा. इसको क्लैंप कहते हैं एक्चुअली, जिससे उसको बांध दिया जाता है. ओके, एंड हियर इट इज कॉर्क. कॉर्क मैंने लगाया हुआ है ना, कॉर्क लगा दिया मैंने. साथ में मैं यहाँ क्या करूंगा कि कॉर्क जो लगाया उसके बाद एक डिलीवरी ट्यूब भी रखूंगा. ओके, डिलीवरी ट्यूब. ये डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड होगा एक और आपका, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब रखेंगे हम. ठीक है, टेस्ट ट्यूब रखा मैं, बॉइलिंग ट्यूब, सॉरी, बॉइलिंग ट्यूब. और इसमें भी मैं यहाँ पर कॉर्क लगा दे रहा हूँ, और इससे एक जो डिलीवरी ट्यूब आएगा वो इससे ज्वाइन रहेगा. ओके, इससे ज्वाइन रहेगा, और एक इससे एक आउटलेट मैंने लगा लिया, आउटलेट पाइप. ओके, we are studying here destructive distillation. Okay, destructive distillation, distillation of coal. Coal, ठीक है. यहाँ पर water मैंने ले लिया है, water, और इसको भी मैं clamp की मदद से यहाँ adjust कर दूंगा, clamp की मदद से. ठीक, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाउडर्ड कोल लूंगा. ठीक है, पाउडर्ड कोल, पाउडर्ड कोल लूंगा, पाउडर्ड कोल. दिस इज पाउडर्ड कोल. ये तो कट नहीं रहना चाहिए, कट रहा है लगता है. पाउडर्ड, पाउडर्ड कोल मैंने ले लिया. ठीक, और देन ये तो कहा ही गया है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. दिस इज बर्नर. ओके, बर्नर, बर्नर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो एयर तो इसको मिल नहीं रहा है और हीट में कर रहा हूं, तो ठीक है, रिएक्शन विल कैरी आउट. तो क्या मैं पाऊंगा कि यहां पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा हमको. ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे ये लिक्विड, लिक्विड ही रहेगा लेकिन विस्कॉस होगा, विस्कॉस लिक्विड होगा ये. ठीक है, गाढ़ा होगा ये, जिसको हम लोग कहते हैं कोल तार. कोल तार, ठीक है,
इसका यूज हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक डाई, ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल बनाने में होता है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव यानी कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये कोलतार का, और फोटोग्राफिक मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और इससे जो अमोनिया गैस जो निकलता है वो यहाँ पर वाटर में डिजोल्व होकर अमोनियाकल लिक्विड बनाता है. ओके, अगर अमोनिया वाटर में डिजोल्व हो गया है तो उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं अमोनियाकल लिक्विड. ओके, फिर हम लोग ये भी पाते हैं कि गैस इससे निकल रहा है. ठीक है, एक गैस निकल रहा है क्योंकि ये कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन किए हैं, उसका ये सब प्रोडक्ट है. तो चूंकि ये गैस कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कर रहे हैं तो निकल रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कोल गैस. ठीक, कोल गैस. ये कोल गैस का घरेलू फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और जिस जगह पे कोल माइंस वगैरह है वहां अगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है तो वहां के इंडस्ट्रीज में ये इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में काम करता है कोल गैस. रिपंजय त्रिपाठी, अपने हैंड को अभी डाउन कर दें, ये टॉपिक हो जाने के बाद मैं डाउट क्लियर करने के लिए आपको मौका दूंगा. ओके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब मैं ये डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कर लूंगा तो ये पाउडर कोयले से ही ना सारा कुछ निकला, तो ये जो रेसिड्यू बच जाएगा आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल वही कहलाता है कोक. और ये मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि ये कोक का बड़ा यूज है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये इस्तेमाल करता है. ठीक है, और आपका इसका इस्तेमाल कोक का डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल ये सब में भी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेटलर्जी तो बुक में आपका लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो बात वही हो गई. आप अच्छा होगा कि लिख दीजिए कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल वन बाय वन, आस्क एनी क्वेश्चन. डायग्राम को फिर एक्सप्लेन कर दें. ठीक है, मैंने एक यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब लिया बच्चा. ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब मैंने बताया क्यों लिया, क्योंकि बॉइलिंग ट्यूब का ग्लास हार्ड होगा, वो आसानी से उसमें अगर हम आग वगैरह हीट वगैरह करेंगे तो उतना ब्रेक नहीं होगा. जनरली आप देखते हैं कि हम लोग ट्यूब लेते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब. अच्छा, उस बॉइलिंग ट्यूब को मैंने स्टैंड के मदद से क्लैंप के द्वारा बांध दिया, सेटअप कर दिया, और एक यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब मैंने लगाया कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह हो वो निकले. ठीक है, और ये बॉइलिंग ट्यूब अलग से है, और यहाँ पर एक आउटलेट पाइप लगा दिया कि कुछ चीज जो है अगर बाहर निकलने का है तो निकले, मैंने फ्री किया. अब मैंने यहाँ क्या किया, पाउडर्ड कोल लिया. ठीक है, पाउडर्ड कोल, और कोशिश रहेगा हमारा कि एयर इसमें ना ही रहे. ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कर रहा हूँ, और डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन का क्या है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो मैंने पैक कर दिया, इट मीन्स कि एयर अगर है तो उतना भर ही रहेगा, अब ज्यादा आने वाला उसको नहीं है. अब मैं यहाँ बर्नर की मदद से इसमें हीट कर रहा हूँ. जब मैंने हीट किया तो कुछ प्रोडक्ट वगैरह हमें मिला, वो प्रोडक्ट में एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड मिला, ब्लैक कलर का विस्कॉस लिक्विड, जिसको हम लोग नाम दिए कोलतार. ठीक है, ये आपको मैंने बताया ड्रग्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल इन सब में इसका इस्तेमाल होता है, डाइज इन सब में इस्तेमाल होता है. फिर मैंने ये भी देखा कि एक गैस निकल रहा है और वो इनफ्लेमेबल है, उसका यूज हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में कर सकते हैं. तो चूंकि ये कोयला से निकला ये गैस, इसलिए हमने नाम दिया कोल गैस. याद रखिएगा ये धुआं नहीं, याद रखिएगा धुआं कोयला को जलाने पे निकलता है, यहां मैंने कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन किया है, मैंने यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया है, ये बात याद रखिएगा. ये नहीं कि कोयला से धुआं निकलने लगे तो उसको कोल गैस कहने लगना. यहाँ पर बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल द गैस विच इज प्रोड्यूस इज नोन एज कोल गैस. ओके, साथ ही साथ अमोनिया गैस भी निकला जो कि वाटर में डिजोल्व हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया का लिक्विड.
इन सब करने के बाद ये तो डेफिनेट होगा कि भाई कोयला से ही सारा कुछ निकल गया, तो अब जो बचा हुआ है क्या है? समझो कि कोयला माइनस कोल गैस माइनस अमोनिया का लिक्वर माइनस कोल तार इज इक्वल टू कोक, इज इक्वल टू कोक, ठीक है। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन इज कॉल्ड कोक, एंड वेयर इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल, एंड वी कैन से दैट इज इट यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, और यू कैन से इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हाँ, अब बोलिए, हो गया डायग्राम को मैंने ड्रिल किया, और कोई बच्चे? यस, नो, मैंने आपको पहले भी कह दिया, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अगर संभव हो तो ट्यूब में थोड़ा सा एयर है तो उसको हटा दीजिए, वैक्यूमाइज कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत एयर है तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा बहुत हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस चल रहा है इतना थोड़ा ही है कि उस बॉइलिंग ट्यूब में जितना एयर है वो सारे कोयले को जला देने का आमदा रखेगा। नो, थोड़ा बहुत मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, लेकिन बाद में तो उसको एयर नहीं ना मिला क्योंकि मैंने यहाँ कॉर्क लगा दिया है, ठीक। अगर आपको ये भी लग सकता है, एक मिनट, अगर आपको ये भी लग सकता है कि यहाँ पे आएगा तो मैंने यहाँ वाटर रख दिया, इसलिए इतना क्षमता नहीं है इससे कि ये किसी से खींच ले। हाँ, नेक्स्ट, एक मिनट, एक कोई बच्ची ड्रग्स का कुछ बात बोल रही है, उसको पहले बोलने दो। नो, अरे ड्रग्स मीन्स होता है दवा, ठीक है, हम लोग दवा को कहते हैं ड्रग्स, क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या होता है किसी खास दवा का आदि हो जाता है। जो आप ड्रग्स सोच रहे हैं नशा वाला, उसको कहते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, ओके, नार्कोटिक। और ऐसे हम लोग कोई खास चीज के लिए बोल देते हैं कि देखो उसको एडिक्शन हो गया है, जैसे बहुत लोगों को हमेशा सिर दर्द करता है तो कोई खास दवा ले लेते हैं, तो नॉर्मल सा उसको बोलेंगे एडिक्शन, अदरवाइज दैट इज नॉट नार्कोटिक ड्रग, ओके, नशा वाला जो होता है नार्कोटिक ड्रग। नेक्स्ट, कोई बच्ची एक बोल रही थी, एक, हाँ, यशवी, आपकी आवाज, क्या बोली, कोई हेल्प कर दो उसकी आवाज, हाँ, वाटर में, तुम्हारा देखो खुद म्यूट हो जा रहा है, यस जी, देखो तुम्हारा खुद लगता है म्यूट हो जा रहा है बीच बीच में, अच्छा, तो बोलो, तुम ही बता दो क्या बोल रही है वो। नो, नेक्स्ट, देखो ये अभी नहीं पूछो बाबू, ये अभी नहीं पूछो, ठीक है, समर वेकेशन का अभी डेट वगैरह नहीं बताया गया है, और अभी पढ़िए ना भाई 40 मिनट में, और क्या समर वेकेशन, रोज तो घर में बैठे हुए हूँ जी, समर वेकेशन क्या, तुम्हारा तो महा वेकेशन चल रहा है, कल बहुत बच्चों ने मुझसे समर वेकेशन के बारे में पूछा है, मैं तो कह रहा हूँ महा वेकेशन है समर वेकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, वेरी गुड, चलिए अब मैं म्यूट कर रहा हूं बच्चे, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन हम लोग पढ़ लिए, इसका मैं डायग्राम आपको भेज दूंगा, नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं, ओके, आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोट्स भेजा है आपको, इसका फॉसिल फ्यूल्स का, और कुछ देर बाद आज ही मैं भेज दूंगा आपको फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन हम लोग जान गए, और साथ में मैंने आपको सारे का यूज भी बता दिया, जैसे कोक की बात अगर करें हम, कोक तो मैंने आपको बताया कि इट इज रेसिड्यू, ओके,
left behind after destructive distillation of coal, okay, of coal. और usage अगर बात करें तो usage हो गया mainly, ये सब मैंने बता ही दिया, ये सब सारे का common है, domestic fuel, industrial fuel, okay, industrial fuel. और मैं ज्यादा जो जोड़ देता हूँ वो है इन metallurgical process, okay, metallurgical process, okay. आज लगता है कुछ बच्चों का नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बार बार वो एडमिट हो रहे हैं और कट हट जा रहे हैं. तो ये बात हो गई. फिर उसी तरह से कोलतार की अगर बात करूं मैं तो कोलतार ये बात करूं तो मैंने पहले ही बताया कि ये काला रंग का होता है और बड़ा विस्कस होता है, ब्लैक कलर्ड एंड विस्कस, ओके. जो नहीं पढ़े थे फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ये बहुत फ्रिक्शन लगाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, ओके. यूजेज अगर बात करूं मैं इसका तो क्या मैंने बताया, ड्रग्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक चीजों बनाने में, बम वगैरह बनाने में, पेंट्स में भी, ठीक है, फोटोग्राफिक वगैरह मटेरियल में इस्तेमाल होता है, ये सब बातें हैं, ठीक. यूजेज वगैरह जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके बुक में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसलिए ये करके पूछ सकता है, उलट के पूछ सकता है कि फोटोग्राफिक मटेरियल में क्या यूज होता है. आप तो याद कर लिए कि कोलतार यूज होता है फोटोग्राफिक, लेकिन वो उलट कर पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा. एग्जाम में अब आप रेडी रहिए कि खाली एक्सरसाइज से सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, आप थॉरो चैप्टर पढ़िए और कैसे उसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, उन सब का प्रैक्टिस. ऐसे मैं भी करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस जब फर्स्ट टर्मिनल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा. साइंस में सारे बच्चे को 100/100 आना चाहिए. कोल गैस की अगर मैं बात करूं, कोल गैस तो सीधा बात है कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है. और मैंने ये बताया कि ये डोमेस्टिक फ्यूल है, ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल, लेकिन ये इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है. कंडीशन ये है कि जो इंडस्ट्रीज कोल माइंस के करीब बसा हुआ हो वहीं इसका इस्तेमाल होता है, वैसा कोई बहुत एबंडेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नहीं आप कह सकते हैं कि पूरा घर घर अब इसका इस्तेमाल होने लगे, जैसे सीएनजी एलपीजी की तरह से ये अबंडेंट नहीं है, ठीक है. इंडस्ट्रियल फ्यूल, ओके, इंडस्ट्रियल फ्यूल. देन नाउ वी विल स्टडी पेट्रोलियम, ओके. पेट्रोलियम अब हम लोग पढ़ेंगे. यहां तक में तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने ये चीज आपसे कर दिया है, लेकिन तभी पूछ लेता हूं हमारे प्यारे बच्चे को कुछ कंफ्यूजन ना हो. हाँ बच्चे, हियर आई एम फीलिंग दैट यू हैव नो डाउट, ओके ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, थैंक यू माय. एक बार मैं जरा सा अपने प्यारे बच्चों को देख लूं कि टेबल कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं. कुछ को मैं देख रहा हूँ, तनवीर खान, अनुपम पांडे, तमन्ना, सालिन संभव, प्रियांशु, सब लोग ऑन किए रहिए कैमरा क्योंकि एक नजर में मैं सबको देख लूं. श्रेया श्रीवास्तव, माही कश्यप, ओके, यशवी, शेख रेहान, दीपा, ओके, रोहित, धीरज, अमित, वेरी गुड, गौतम वर्मा, वाह, अदिति, अच्छा लग रहा है सबका, खाली मैं नाम जानता हूँ, आज मैं चेहरा भी देख रहा हूँ. तनु, सलोनी, प्रियांशु, वेरी गुड, आद्या, आयुष, गुड, आर्या सेक्शन जी अपना बुक दिखा रहे हैं, सांभवी, सरवीन, ठीक, गुड, वेरी गुड, सब बच्चे रेडी हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है, झपकी नहीं आ रही, ये बहुत खुशी है, ठीक है, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये मैं बैक हो जाता हूँ. हाँ हेलो,
Now we will study petroleum. Okay, petroleum. Petroleum का नाम बड़ा सोच के दिया गया है. Petroleum. ठीक. Petroleum. Petroleum का नाम क्या सोच के दिया गया? Petra. Petra means rock. Petra means rock होता है. और oleum, oleum means हुआ oil. ठीक है, तेल. यानी rock से जो हमें तेल मिले, that is petroleum. मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि there is difference between petrol and petroleum. मैं आपको बता देना चाहूँ. ये नहीं कि आज मैं पेट्रोलियम पढ़ने लगा और पापा मम्मी को बोलूं कि पापा गाड़ी में पेट्रोलियम भरा दीजिए. नहीं, पेट्रोल इज द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम में डीजल भी है, पेट्रोलियम में केरोसिन भी मिला हुआ है, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम में पैराफिन वैक्स भी है, एस्फाल्ट भी है. ठीक है, ये सब चीज पेट्रोलियम में मिला हुआ है. जो हम लोग को बाय नेचर मिलता है पेट्रोलियम, वो बड़ा गंदा ऐसा होता है, उसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं. ठीक है, और उसको क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसका हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. किसका? पेट्रोलियम का. और जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये सब उसके फ्रैक्शन. हाँ रिपुंजय तिवारी, आप बोल सकते हैं, मैं अभी अनम्यूट किए हुए हूँ. हेलो रिपुंजय, बोलिए रिपुंजय. देखो होता क्या है कि आप पहले ये सोचें कि बाइक चलाते हैं हम तो उसमें किरोसिन नहीं डालते हैं. ठीक है, या घर में स्टोव जलाते हैं तो उसमें पेट्रोल नहीं डालते हैं. उसका कारण क्या है कि भले ही ये सारा चीज पेट्रोल में, पेट्रोलियम में मिला हुआ है, लेकिन हर का कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है. तो क्यों ना हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू का कहीं फायदा उठाएं. मान लिया कि पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है और इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो जब हम बाइक चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही स्पार्क होकर वो पेट्रोल जो है वो वेपर स्टेट में, ये अंदर की मतलब हम बोलने जा रहे हैं जो बाइक के अंदर जो क्या उसको कहेंगे मैकेनिज्म है, वो मैं बोल रहा हूँ कि वो आसानी से वेपर स्टेट में आ जाएगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है. लेकिन अगर मैं वहां किरोसिन डाल दूंगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हीट करने पे वो भैपर में आएगा, तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना. और जहां तक बात है कैलोरीफिक वैल्यू, अब पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो एक गाड़ी को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए, उतना हमको खाना पकाने में नहीं चाहिए, तो वेस्टेज है. समझ गए बच्चा? और मैं बोलता हूं, अब उसमें कचरा वगैरह भी होता है, एक तरह से वेस्ट कचरे के रूप में ही पैराफिन वैक्स है, लेकिन उसी को रिफाइनिंग वगैरह कर आपको सरप्राइजिंग होगा कि आप होंठ पे जो वैसलीन लगाते हैं वो क्रूड ऑयल का एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसको बहुत रिफाइनिंग वगैरह कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा क्या कहें अच्छा परफ्यूम वगैरह डाल दिया जाता है और आप अपने होठों पे लगाते हैं. ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि आप गाड़ी में सोचिएगा कि पेट्रोलियम डाल देंगे तो जाम ही ना हो जाएगा, कार्बोरेटर वगैरह चिपचिपा बहुत होगा, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड ऐसा होता है वो. समझ गया बच्चा रिपुंजय तिवारी? ओके, वेरी गुड त्रिपाठी. तो आगे मैं बढ़ूं. अब सुनिए, पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी कहानी जान ली जाए. एक्चुअली ये किसी खास का जगह पे ही पाया जाता है और ये हम जान चुके ही हैं कि ये फॉसिल फ्यूल है. ओके, दिस इज फॉसिल फ्यूल. एंड ये कैसे पाया जाता है वो मैं बताना चाहता हूँ. मतलब देखो कि नेचर का कितना अच्छा वे है कि जहाँ तेल है वहां किस तरह से वो
कलेक्टेड है वो मैं दिखाऊंगा आपके बुक में भी। ये आप पेज नंबर आ जाइएगा, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 आप वहां देखिए कि एक रॉक दिया हुआ है, इंपरवियस रॉक, ठीक है, इंपरवियस रॉक, इंपरवियस रॉक। ये ऐसा रॉक हुआ जिसमें जरा सा भी होल्स नहीं होगा, जरा सा भी होल्स नहीं, ठीक। और पेट्रोलियम वाल तो पाया जा रहा है, ठीक है, पेट्रोलियम वाल ये ज्यादातर सी एरियाज के तरफ पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम वाल, और उसके ऊपर गैस पाया जाता है, ठीक। क्योंकि बाय नेचर ये गैस मिला हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। याद रखिएगा, पेट्रोलियम वाल के ऊपर और इंपरवियस रॉक के नीचे जो गैस पाया जाता है वो है नेचुरल गैस, और उसी को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, जिसको कहते हैं सीएनजी, ठीक। और पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो जो गैस निकलेगा उसको कहेंगे पेट्रोलियम गैस, और उसको जब कंप्रेस कर देते हैं तो उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, पेट्रोलियम गैस के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपका एलपीजी है, ठीक। और पेट्रोलियम गैस के ऊपर जो नेचुरल गैस पाया जा रहा है दैट इज सीएनजी, ठीक है बच्चा, ओके। और स्वाभाविक है कि नीचे वाटर वगैरह होगा तभी हम लोग को वो मिल रहा है, क्योंकि वाटर से पेट्रोलियम का डेंसिटी कम होगा इसलिए ऊपर तैर रहा है। इसके बाद क्या किया जाता है, जो जहां पता चल जाता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह मिलेगा तो वहां पर प्लांट वगैरह एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद ड्रिल किया जाता है, जिसको वाइल वेल भी कहते हैं, तेल का कुआं भी कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी तेल का कुआं मिलता है जहां गैस जरा सा भी नहीं मिले। लेकिन जब भी ड्रिल करते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि पहले उससे गैस निकलता है जिसको नेचुरल गैस कहेंगे, और कुछ दिनों तक खुद ही के प्रेशर से वो वाल्व वगैरह निकलता है, लेकिन बाद में क्या करते हैं पंप वगैरह लगाकर उससे पेट्रोलियम वाल्व निकाला जाता है। एनी डाउट मेरे प्यारे बच्चों? ओ हाँ बोलिए। देखो देखो देखो, ये थोड़े ही है कि गैस बाहर से अंदर थोड़े ही गया है, गैस बाहर से अंदर नहीं। तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने कुकर में दाल 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 पकने के लिए दे दिया, दाल और पानी दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने उसको कुकिंग गैस पे चढ़ा दिया, ठीक, तो क्या हुआ, अंदर स्टीम बना कि बाहर से स्टीम आया था? अरे कहीं से कैसे नहीं, अंदर से ही ना स्टीम, वो वाटर वेपर, हाँ, तो अंदर ही अंदर बन गया, यानी कुछ वैसा प्रोसेस हुआ जिसके कारण अंदर गैस इवॉल्व हुआ। वही बात यहाँ है, यहाँ क्या हुआ, अंदर जो कोर वगैरह मटेरियल है उसके हॉटनेस से जो डिकेइंग एनिमल्स वगैरह का जो डिकम्पोजिशन हुआ उन सब से पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस बना। ओके बच्चा, ठीक है, और कोई बच्चा? हाँ, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, ज्यादातर नाम तो वैसा ही बैठाया गया है, कोयला से गैस निकला तो कोल गैस, पेट्रोलियम से निकलेगा तो पेट्रोलियम गैस, बाय नेचर ये मिल रहा है हमको तो नेचुरल गैस, नाम तो वैसे ही रखा गया है ना। उधर आपको बायोमास से निकला तो बायोगैस है ना जी, उधर बायोमास से, कल ही कोई बच्चा पूछा था परसों मुझसे कि बायोमास क्या है, तो मैंने उसको बताया था कि कैटल डंग या प्लांट्स वगैरह का जो सड़ने गलने से एनारोबिक फर्मेंटेशन से जो गैस प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है, इसके बाद हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोलियम का इतना इस्तेमाल ज्यादा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड बोलते हैं,
गोल्ड, गोल्ड का दर्जा दे दिया गया, लिक्विड गोल्ड, यानी एक